हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बिहारी ब्लॉगर में आप लोगों का बहुत 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 दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड, यहाँ पर अभी मैं डोसा बनाने के लिए, उसका जो बैटर होता है उसको तैयार करने के लिए, यहाँ पर देखिए मैंने चावल लिया है और इस चावल को मैं धो रही हूँ और धो के भिगो दूँगी। तो चावल मैंने लिया है 3 कप और जो उड़द की दाल होती है वो लिया 1 कप और 2 चम्मच मेथी का दाना लिया है। और देखिए इन सबको मैं भिगो रही हूँ। मेथी दाना और उड़द की दाल मैं एक साथ भिगो दूँगी और जो चावल है उसको एक साथ भिगो दूँगी, ठीक है। इसको अच्छे से वैसे धो के भिगोना चाहिए, मैंने ऐसे ही भिगो दिया है, बाद में धुल लूँगी। मैं थोड़ी अभी बहुत जल्दी में हूँ, टाइम की बहुत शॉर्टेज है मेरे पास, तो इसको मैं थोड़ा सा बाहर हल्की सी धूप है ना वहाँ पर जा कर रख देती हूँ, तो अच्छे से फूल जाएगा जब तक कि फिर रात को इसको हम पीसेंगे। तो देखिए यहाँ पर शाम का टाइम है, अभी तकरीबन 5:30 हो रहे होंगे, तो हल्की वाली धूप है, तो मैं चलो थोड़ा सा रख देती हूँ यहाँ पर, तो अच्छे से फूल जाएगा और अच्छे से फिर इसमें खमीर भी उठेगी। तो खमीर तो खैर पीसने के बाद बनेगी इसके अंदर, तो रात को पीसेंगे, अभी बस भिगो के इसको छोड़ देते हैं। तो गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? अभी मैं देखा गया, मैंने डोसा के लिए चावल दाल वगैरह सब कुछ भिगो दिया है। मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है यार, एक चोट ठीक नहीं होती कि दूसरी चोट मेरी लग जाती है। और तो मैं क्या क्या बोल गई, तो इडली डोसा बनाना है मुझे, बहुत दिन से मन कर रहा है खाने का और हस्बैंड भी कह रहे थे। और मेरा क्या है कि मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मतलब होता है कि जब हम कहीं भी खाने बाहर जाते हैं होटल वगैरह में तो खाने के लिए तो मैं सबसे पहले ऑर्डर करती हूँ इडली डोसा। अभी हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल गई थी तो मुझे वहाँ की इडली और डोसा वहाँ का मुझे मतलब अच्छा लगता है, पसंद है मुझे, तो मैं दोनों बार गई थी तो मैंने दोनों बार इडली खाई थी वहाँ पे, और हस्बैंड को पसंद है डोसा, तो मैंने सोचा काफ़ी दिन से बोल रहे थे बनाओ, तो मेरे पास अभी कभी होता नहीं, कभी कड़ी पत्ता नहीं रहता, कभी कुछ नहीं, कभी ऐसे होता है कोई सब्ज़ी नहीं है, कभी कोई सब्ज़ी नहीं, तो अभी मेरे पास सब कुछ है मतलब जिससे सांभर वगैरह बन जाए। बस एक नारियल लाना है चटनी के लिए, वो कहीं से मिल जाएगा बगल में। तो बस आज भिगोया है मैंने, अभी इसको 5 घंटे भिगोऊंगी, फिर रात में इसको पीस दूंगी, फिर कल देखते हैं शाम तक बनेगा कब बनता है कि नहीं। तो मैं सोचा वीडियो शुरू करती हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी बात वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और तबीयत ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, और टेंशन इस बात की है कि जो बाबू का है इतने दिन से क्लास, इसकी हमने बंद करवा रखी थी क्योंकि थोड़ी सी पैसे की प्रॉब्लम थी, तो हमने इसका एडमिशन नहीं करवाया था फिर से। मतलब एग्ज़ाम हुआ था इसका 3rd क्लास का, ये 4th में गया था, फिर हमने 4th क्लास की जो उसकी क्लासेस होती है वो हमने बंद करवा दी थी क्योंकि एनुअल चार्ज वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो नहीं मतलब उस टाइम पैसे थे हमारे पास, पैसे तो खैर प्रॉब्लम पैसों की अभी भी है, बट अभी तो मतलब करवा लिया है किसी तरीके से, नहीं करवाती तो इसका फिर से 1 साल बेकार चला जाता, पढ़ाई लिखाई सारी बंद पड़ी थी उसकी, फिर उसकी भी टेंशन हो रही थी, तो 3 महीने की जो उसकी पढ़ाई है बिल्कुल स्टॉप हो गई है। और नेक्स्ट मंथ अगस्त में इसको 5 या 6 दिन से इसका एग्ज़ाम भी है, तो वही मेरे को सारा कोर्स इसका मुझे मतलब कवर करवाना है, रिवीजन करवाना है, तो मेरे को समझ मतलब सर दर्द हो गया, इतना बड़ा सा बोझ मिल गया है मुझे, इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो भी कम शूट कर रही हूँ, एक तो कल से वीडियो मैंने कम ही शूट किया है। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में शाम के टाइम पे, अपना जब रूम वगैरह देखे ना, रूम क्या हो रखा है मेरा पूरा रूम पर, तो क्लीन वगैरह करूँगी ना तब मिलूँगी आपसे। तो उसके बाद फ्रेंड में भिगोने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन मेरा बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है आप जैसे देख रहे होंगे। तो जब जिस दिन मैं बाबू के हाथ में किचन छोड़ देती हूँ, मतलब जैसे कभी कहती हूँ कि तुम खुद लेके अपने से लेके खाना खा लो, और तो बस यही हाल होता है मेरे किचन का। देखिए गैस वगैरह सब गंदी हो रखी है और किचन में बर्तन जहाँ के तहाँ फैला हुआ है, तो ये प्लेट्स अच्छी सही थी, मतलब बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई थी, तो बस मैं उसको मैंने स्टैंड में लगा दिया है। अब यहाँ पर मुझे बॉटलें भरनी हैं, तो बॉटल भर के फ्रिज में लगाना है, और ये थोड़ी सी मैंने जो चावल फ्राई किया था, तो मैं आज दिन में पता है बस जो चावल फ्राई किया था वही खाई थी, रात का जो चावल बच गया था वही, जो ताज़ा खाना मैंने बनाया था वो मैं नहीं खाई थी क्योंकि यही मेरे लिए फालतू हो रहा था, तो
मतलब खाना क्या खाती, जो ताज़ा बना था। रोटी वगैरह भी काफ़ी बच गई थी तो मैंने सोचा सेक के खा लूँगी, लेकिन वो भी बेस्टी हो गई, ख़राब हो गई रोटी, तो उसको मैं कौवे को डाल दूँगी। और देखिए यहाँ पर सारे बर्तन मैंने बेसिन में डाल लिया है। अब मेरा थोड़ा सा स्लिप खाली लग रहा है तो बस गैस वगैरह पोंछ लेती हूँ। 2 या 3 बार दिन में मैं गैस को साफ़ कर ही लेती हूँ, फिर भी ऐसा लगता है कितना गंदा है, तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मुझे खुद नहीं पता। और यहाँ पर मैं बर्तन धुलने लग गई हूँ। बर्तन धुलने के बाद मुझे अपने रूम में जाना है। रूम में देने का ना क्या है क्या नहीं, रूम का भी हाल ऐसा ही मैशी मैशी वाला हो रखा है। कभी जहाँ तहाँ बाबू की बुक्स पड़ी हुई हैं, उसकी जो क्लास वगैरह होती है तो पढ़ता है वहीं, क्योंकि कंटिन्यू उसकी भी क्लास चल रही है, तो मैं भी उससे ज़्यादा नहीं फोर्स करती हूँ कि तुम अपना सही करके रखो, नहीं तो अपने अपना सामान वो रखता है सही करके खुद ही, तो मैं ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े तह मार रही हूँ, जो कि मुझे कपड़े मतलब सूखे हुए कपड़े थे जो लेकर आई थी मैं, ये कल के कपड़े हैं, आज के कपड़े नहीं हैं, क्योंकि आज तो मैंने कपड़े धुले ही नहीं थे। सैटरडे का ये वीडियो सैटरडे का है, जो कि आपके पास संडे को जाएगा या तो मंडे को जाएगा। ऐसे ही मैं लेट लतीफ़ हूँ यार, मैं क्या करूँ। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा और मेरी हेल्प करिए, आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार।